करते रहें। आदरणीय जिला अधिकारी महोदय, इसी क्रम में पुष्प देकर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य का विषय है कि हम जिले की सबसे बड़ी जो अध्यक्ष जिला पंचायत रायबरेली निर्वाचित हुए हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अछूतता रखूंगी तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। मैं जनपद की प्रथम नागरिक आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को शुभ हार्दिक बधाई देता हूं और आदरणीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूं। और अगले क्रम में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजना चौधरी जी से आग्रह करता हूं। निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा तथा सदस्य के अंदर कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अध्यक्ष महोदय को और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, बाकी लोग बाहर की कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लें। आगे का कार्यक्रम क्योंकि बोर्ड की बैठक बड़ी विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि नव निर्वाचित बोर्ड को अपनी शुभकामनाएं दें। यहां उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, आज के मुख्य अतिथि श्री गिरीश नारायण पाटिल जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जिलाधिकारी महोदय, CDO महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय, नव निर्वाचित जिला पंचायत के सभी माननीय सदस्यगण, उपस्थित मीडिया बंधु और मेरे साथी कर्मचारीगण, आज उपस्थित इस सभा के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है और आज पहली सभा भी इस नव निर्वाचित जिला पंचायत की होने जा रही है। इसके लिए आप सभी को अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर आप खरे उतरेंगे और रायबरेली के विकास में एक नया मील का पत्थर आप सभी लोग साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और बोर्ड को शुभकामनाएं देने के लिए आदरणीय श्री पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में इस जिले में सुशासन को बड़ी ईमानदारी से संचालन कर रहे पांडे जी, जिला पंचायत की नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती रंजना चौधरी जी, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, माननीय MLC श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री रामदेव पाल जी, यहाँ उपस्थित आज सभी नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यगण, हमारे मीडिया के बंधुओं और सभी सम्मानित उपस्थित गण को सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि जिला पंचायत के जो निर्वाचन सकुशल संपन्न हुए हैं और जिसके कारण जो कहा जाता है जो स्थानीय सुशासन का केंद्र बिंदु है उसके सफल संचालन की मैं शुभकामनाएं देता हूं और करेगा। आज आपकी प्रथम बोर्ड की बैठक है, मैं चाहूंगा कि अगर आप उचित समझे तो एक प्रस्ताव जरूर लीजिएगा कि आप जितने भी कार्य हैं सब ई टेंडर के माध्यम से ही कराएं और मैनुअल टेंडर की जो प्रणाली है जो 10 लाख से नीचे की होती है उससे बचते हुए अगर आप पूरी तरह से ई टेंडर की प्रणाली पर आएं तो आपका जो जिला पंचायत है एक नई शुरुआत का पुरोधा बनेगा और एक पारदर्शी प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, बधाई के साथ कि आप लोकतंत्र की
सर्वांगीण सफलता में अपना योगदान सुनिश्चित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, जय हिंद, जय भारत। मैं बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शुभकामनाएं देने के लिए एवं सलाह देने के लिए आदरणीय श्री जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब मैं उस शख्सियत, उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जिनको लोग विकास पुरुष और सत्ता विकेंद्रीकरण की बात जब होती है तो जनपद में आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। मैं इनको आप सबको शुभकामनाएं देने